बार फिर से जीएसटी रोल राइडर्स में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं न्यू सीजन की न्यू जनरेशन की न्यू एडिशन 2018 की न्यू एडिशन स्विफ्ट। जी हाँ दोस्तों, ये है स्विफ्ट जो जिसका है 2018 एडिशन जो आप देख रहे हैं। तो इसको बताने से पहले इसके फीचर्स और इसके अपडेट्स जानने के लिए हमारे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों जरूर लाइक करिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी बात की जाए तो बाहर का लुक की बात की जाए तो इसमें सुजुकी ने बहुत चेंजेस किया गया है बाहर के लुक में। स्विफ्ट में का चेंजेस इसके अंदर में दिया गया है। इसमें दी गई आपको स्क्रीन, इसमें दिया आपको ड्राइवर डिस्प्ले इन्फोनेट्स और पीछे की तरफ दिया गया सुजुकी का लोगो और एलईडी रियर लाइट्स दी गई आपको, एलईडी फॉग लैंप्स दिए गए हैं उसी से आपको लिया गया है, क्रोम ग्रिल दिया गया है और स्टाइलिश एलॉय व्हील्स दिए गए हैं जिसमें है सुजुकी का लोगो। और दोस्तों अगर बात किया है इसके पिछले, अगर हम इसके स्विफ्ट से कंपेयर किया है तो ये बहुत उससे बहुत ही अलग लग रही है अभी। और इसका लुक की बात की जाए तो थोड़ा लुक बहुत इसमें थोड़ा चेंज किया गया है। आइट साइड में थोड़ा ब्लैक फिनिश दिया गया है, हेडलैम्प्स के आसपास थोड़ा ब्लैक फिनिश दिया गया है और नीचे आपको फॉग लाइट और फॉग लाइट्स के पास भी आपको थोड़ा ब्लैक फिनिश दिखेगा। साथ तक ये थोड़ा सा मैच करता है ये थोड़ा बहुत पहले वाली स्विफ्ट से। और अंदर की बात की जाए तो आपको मिलती है एकदम लग्जरी और एकदम अच्छा लुक देता है अंदर से भी। और आपको मिल जाएगा कम्फर्टेबल सीट्स, ये है अभी भी 4 सीटर्स और साथ ही इसके अंदर हैंडरेस्ट भी दिया गया है। सो दोस्तों तो इसमें अगर हम चेंजेस की बात की जाए तो इसमें अभी आपको 400,000 का आपको मिलता है RMPM का। और इसमें बात किया है तो इसमें इन्फॉर्मेशन क्रेडिट्स में 1 HSTPU टर्बुलेंस और 2018 मिलता है और इसी से आपको मिलते हैं यहाँ पे USB केबल्स मिलती है और यहाँ पे आपको मिलता है इसी के साथ साथ आपको मिलता है यहाँ पे ऑटो इंफ्रो इंजन सिस्टम। तो दोस्तों ये था सर आज के स्विफ्ट के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और दोस्तों हमारे नए वीडियो के लिए हमारे बेल आइकन प्रेस कीजिएगा।